हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने का प्लान कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो अक्सर दिमाग में आता है वो यही है, अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चन था, अपने अपलाइन से मैंने भी यही पूछा था, ये तो बताइए ये मुझे करना क्या है, ये जो प्रोडक्ट है क्या मुझे वो बेचने हैं, ये जो जैसे मैं जिस कंपनी के साथ हूँ उसके जो प्रोडक्ट हैं वो वेलनेस और हेल्थ ब्यूटी केयर पर्सनल केयर के हैं, तो क्या इनकी मुझे एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्या मुझे वेलनेस इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि मुझे करना क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे सामान बेचना है या लोगों को कन्विंस करना है, अल्टीमेटली करना क्या है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल लूँगा तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वेलनेस के हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं मतलब, और कुछ ब्यूटी केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। सो इनिशियली मेरा ये थॉट था कि भाई मुझे न्यूट्रिशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशन जब जाता है तो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से लैक ऑफ विटामिन, लैक ऑफ मिनरल्स की वजह से किस तरीके से बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने कुछ वेलनेस से रिलेटेड बुक्स परचेज़ कर ली, कुछ जो वीडियो देखने लग गया और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि 2-3 हफ्ते जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करा, ये सब चीज़ें देखा, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ही है, मुझे कोई डॉक्टर तो बनना नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं डॉक्टर बनने नहीं आया हूँ यहाँ पर, ओके। तो हमें ना तो वेलनेस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनना है, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है, तो वेलनेस का एक्सपर्ट मैं कैसे बन सकता हूँ। येस, आई मस्ट हैव सम नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास होनी चाहिए, बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा नहीं है कि वेलनेस इंडस्ट्री की मुझे बहुत ही अच्छी नॉलेज हो। तो हमें वेलनेस इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए, एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो प्रोडक्ट यूज़ करके हमें आती है वही काफ़ी है। दूसरी चीज़, मुझे लगा था कि हमें सामान बेचना पड़ेगा, सेल्स का काम है। तो मैं आपको बता दूं कि ना तो मैं सेल्समैन हूं, ना तो आप सेल्समैन हैं, और बहुत बड़े बड़े जो सेल्समैन होते हैं, जो सेल्स का एक्सपीरियंस जिनको होता है, मैं देखता हूँ वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। तो ये सेल्स का काम नहीं है अल्टीमेटली। यस, आई अंडरस्टैंड कि जब तक माल नहीं बिकेगा तब तक रुपया कमीशन नहीं जनरेट होगा, सेल होने पे ही रुपया आता है, बट डायरेक्ट सेल्स वर्ड तो यूज़ होता है, बट एग्जैक्टली जो हमारा प्रोफाइल है वो सीधा के सीधा सेल करने का नहीं है। अगर हम सीधा मैं बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है ले लो, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, ओके। सो आई नेवर शेयर प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट, आई शेयर प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन। ना तो ये वेलनेस इंडस्ट्री का काम है, ना तो मुझे उसका एक्सपर्ट होना है, ना तो मुझे सेल्स सीखना है बहुत ज़्यादा। आई मीन यस, सेल्स होने पे ही रुपया आता है, बट सेल्स को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करना क्या है जब हमें सामान नहीं बेचना और जब हमें वेलनेस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं बनना, तो एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैं आपको बता दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एज पर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस एंड व्हेन आई टॉक टू मैनी ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स, जो मैंने उनका एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा हूँ, मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ पीपल मैनेजमेंट, लोगों के साथ काम करना। अगर आपको लोगों के साथ काम करना आता है तो फिर आप इस बिज़नेस में आगे जा सकते हैं। लोगों के साथ काम करने का मतलब, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा बोलना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरी प्रेजेंटेशन के लिए इतनी अच्छी नहीं है, मैं लोगों के सामने इतना अच्छा नहीं बोल सकता, तो मैं ये काम को नहीं कर पाऊँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इस काम को बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। ये काम शायद वही लोग कर सकते हैं जो हर किसी से बातचीत कर लेते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन जल्दी बना लेते हैं। बट मैं बोलता हूँ नो, इवन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन के लिए इतनी अच्छी नहीं है, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है, लोगों के साथ कनेक्ट करने का काम है। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से फॉल्स मोटिवेशन वाले लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते। लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ काम करते हुए वो उनको ट्रस्ट करें, ओके। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपको ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और यूजुअली इंट्रोवर्ट लोगों को लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं उनके ऊपर, ओके। सो अगर आप लोगों के साथ काम कर पा रहे हैं, हो सकता है आपके पास इतनी स्किल्स ना हो, बट अगर लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं, देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, ओके। सो दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ पीपल मैनेजमेंट, लोगों के साथ काम करने का बिजनेस है ये। बाकी वेलनेस इंडस्ट्री की नॉलेज, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की नॉलेज एंड सेल्स की नॉलेज होना एक एड ऑन है, पर अल्टीमेटली लोगों के साथ
क्या लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्या लोग आपके साथ काम करने में लोगों को मज़ा आता है, क्या लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्या आपकी बातों की वैल्यू है, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि इस बिज़नेस में आगे लेके जाती हैं आपको। तो सिंपल से इतना ही काम है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। बिल्कुल ये मत सोचिए कि यार ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, ये काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप लोगों को राय दे ही रहे हैं, क्यों ना इस बिज़नेस को एज ए गिफ्ट लोगों को शेयर करें। वो करेंगे तो ओके, थम्स अप या थम्स डाउन दोनों ही ओके हैं। ओके, एटलीस्ट आप अपना काम तो करिए, लोगों के साथ सिर्फ शेयर करिए अपॉर्चुनिटी, अगर उनको अच्छा लगेगा तो ओके। ऑलराइट, सो यही काम करना होता है हमें नेटवर्क मार्केटिंग में। आई होप कि आई मेड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर टू यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड बिजनेस। इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में डालने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।